दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजमहल का चोर। ये राज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। राजमहल का चोर। इधर पूर्णिमा के गोल चंद्रमा की रश्मियां पृथ्वी से टकराई और उधर रात्रि की नीरवता को उन चीखों ने पूरी तरह से भंग कर दिया। बचाओ बचाओ। 15-16 वर्ष एक लड़का सलीब पर चढ़ा करुण स्वर में मदद के लिए पुकार रहा था। ठीक उसी समय कोई उस नगर की सीमा में प्रवेश कर रहा था। मुझे शीघ्र ते शीघ्र नगर की सीमा में पहुंचना होगा। एकाक वह ठिठका, बचाओ, चीख की दिशा में आगे बढ़ा वह। अरे यह क्या, घबराना नहीं लड़के, मैं आ रहा हूं, कृपया कर जल्दी करो वरना हम दोनों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। घबराओ नहीं। कौन हो तुम, किसने तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कार्य किया है? कृपया कर यहां से चलो, फिर बताता हूं। लेकिन इसी पल, ठहरो, रुक जाओ परदेशी, इस लड़के को तुरंत फिर से वहीं सलीब पर लटका दो, अन्यथा उसके स्थान पर हम तुम्हें वहां लटका देंगे। क्या मतलब, कौन हो तुम? नहीं, हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है परदेशी, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो, समय बहुत कम है। और लेकिन यह जाने बिना कि तुमने उस निरीह लड़के को यहाँ क्यों टांग रखा था, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मान सकता। हरी सिंह, समय नहीं। हरी सिंह, तुम लड़के को पकड़ो, मैं इसे देखता हूं। हरी सिंह लड़के की तरफ तरफ लपका ही था कि रुक जाओ, लड़के को हाथ भी मत लगाना। ओह, इसी पल दूसरी तलवार हवा में उठी और राजकुमार का हाथ तेजी से लहराया। खनाक। राजकुमार ने पलटकर जवाब दिया, खन। जल्दी करो हरी सिंह, अन्यथा महाराज हमें भी सलीब पर चढ़ा देंगे। नहीं, बचाओ। हरे सिंह ने लड़के को खींच लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। ठीक तभी, नहीं, मुझे वहां मत लटकाओ। और वेदर से देखता हरी सिंह चीख पड़ा, करम सिंह भागो, देर हो चुकी है। लड़के के चेहरे पर भय फैल गया। दोस्त, जल्दी करो, भागो वरना हम नहीं बचेंगे। बुरी तरह समंजस में फंसा राजकुमार घोड़े पर आ बैठा। क्या बात है, वे दोनों एकाक भाग गए और तुम वैसे इतना कांप क्यों रहे हो? कुछ भी कहने के बजाय लड़के ने घोड़े को ऐड लगा दी। चल। उसी नगर के राजा शांतनु का जल महल, जिसकी दीवारें एकाक महाराज के क्रोध से कांप उठी। क्या बकते हो करम सिंह, हमें क्षमा करे महाराज, हमने उसे रोकने की भरपूर चेष्टा की, किंतु उफ, यह तुमने क्या किया करम सिंह। लेकिन अब क्या होगा महाराज, पढ़ ले। नगरवासियों में भी यह बात पलक झपकते फैल गई। क्या कुमार के लड़के टापू को किसी ने सलीब से उतार दिया? नहीं, यह नहीं हो सकता। हे भगवान, अब क्या होगा, पढ़ ले। एकाक विचित्र सा शोर सुनकर सबकी निगाह आकाश पर स्थिर हो गई। परला आकाश से नीचे उतर रही है। देखते देखते वे विशाल पक्षी किन्हीं तथ्यों में परिवर्तित होने लगे। वह भयानक दृश्य देखते लोगों में खलबली मच गई। भागो, परला आ गई। उस संतोषी को पुकारी मच गई जब, नहीं, मेरी बच्ची, बचाओ, आह, खूनी दत्त, छोड़ मेरी बच्ची को, खच, बापू, आह, बचाओ, घर, आह, बापू। जल महल एकाग तेज प्रकाश से ना उठा। उफ, यह क्या, यह तीव्र प्रकाश कैसा। अगले पल महल हिल उठा और रोशनी का उस विशाल दायरे के साथ ही जल महल हवा में उठता चला गया। उधर एक गुफा में, ची ची, ओह, बोर हो गए दोस्त, संकट टल गया है। कैसा संकट, तुम नगर की तरफ चलो, फिर मैं बताता हूं। बात आज से 3 माह पूर्व की है। पूर्णिमा की रात एक विशालकाय पक्षी चंद्रमा की ओर से धरती की तरफ बढ़ा। फट फट फट। नगर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस विशालकाय पक्षी को देखकर बुरी तरह से दंग था। उफ, यह क्या बला है, इतना बड़ा पक्षी तो आज तक नहीं देखा। देखते देखते वह पक्षी धरती पर उतर गया और अभी नगरवासी उस अजीब अजूबे को समझ भी नहीं सके थे कि उस कछुए जैसी खाल वाले दत्ते ने दोनों हाथ ऊंचे किए। शू, हा, कच्छ दत्ते के गुलामों, जाओ अपने शिकार पकड़ो। नगर में कई दिनों तक उन तत्वों का आतंक छाया रहा।
बचाओ, भागो, दत्ता आ गए। फरियाद महाराज तक पहुंची, ओ हम उन दत्तों का सर्वनाश कर देंगे। सेनापति, अपनी सेना के साथ तुम उन दत्तों का मुकाबला करने जाओगे। जो आज्ञा महाराज। नगर में भारी गश्त लगा दी गई। इस बार वे दत्त बच न सकेंगे। लेकिन फिर पूर्णिमा तक कच्छ दत्त का आक्रमण न हुआ। लगता अब वे दत्त नहीं लौटेंगे। और वह रात पहली पूर्णिमा पूर्णिमा की रात थी। कच्छ दत्त पक्षी के रूप में नीचे उतरा और अगले ही पल हा, दत्त दत्त आ गए। जब तक आकाश में चंद्रमा चमकता रहता, उन दत्तों का उत्पात जारी रहता। बचाओ, हा, नहीं आ। सैनिक उन्हें रोकने में असफल रहे। इस प्रकार एक रात्रि सम महाराज शांतनु को कच्छ दत्त के सम्मुख आना पड़ा। ठहरो दत्तराज, रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं इस नगर का राजा शांतनु हूँ। तुम यह तबाही बंद कर दो दत्तराज, और हमें बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो। मुझे ढेर सारा मानव रक्त चाहिए राजा। मानव रक्त? किंतु दत्तराज। बस राजा, मैं जानता हूं कि तुम अपनी इच्छा से मानव रक्त मुझे कभी नहीं दोगे, इसलिए मुझे जबरन यह कार्य करना पड़ रहा है, और तुम्हारी पूरी सेना मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकती। मैं तुमसे युद्ध नहीं चाहता दत्तराज, और विनती करने आया हूं कि निर्दोष लोगों की हत्या बंद करके वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। हा। ठीक है राजन, मैं लौट जाऊंगा, लेकिन इस अवस्था में तुम्हें हर पूर्णिमा की रात मुझे एक व्यक्ति भेंट में देना होगा। ठीक है, लेकिन अपनी शर्त मनवाने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अगर तुम जीते तो वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, किंतु अगर मैं जीत गया तो फिर तुम्हें यह नगर छोड़कर जाना होगा। मुझे यह भी मंजूर है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस दत्त से आप अकेले कैसे? सेनापति, अपनी निर्दोष प्रजा के प्राण बचाने के लिए मुझे ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रजा मुझे कायर समझेगी। जाओ सेनापति, लोगों को एकत्रित करो। जी महाराज। श्रीगरी, इसे कहते हैं राजनीति। महाराज जानते हैं कि इस दत्ते से मुकाबला करने में उनकी पूरी सेना भी कम है, किंतु केवल इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं ताकि प्रजा उन्हें कार न समझे और कच्छ दत्ते की शर्त भी मान ली जाए। उफ, महाराज इस दत्ते से का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? महाराज ने अपने प्राण संकट में डाल दिए हैं। इधर दोनों युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। चल राजा शांतनु, कर पहला वार, क्योंकि दूसरा वार करने का तुझे मौका भी ही नहीं मिलेगा। राजा शांतनु ने तलवार घुमाई, लेकिन कच्छ दत्त ने अपना कंधा आगे कर दिया। तड़ाक, हा, बुरी तरह ठाके लगाते कच्छ दत्त पर राजा शांतनु ने अगला वार किया। कड़ाक, हा। दूसरे पल सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। हा, अरे ओह, इसका शरीर तो कछुए की तरह सिमट गया। इस बार जैसे राजा शांतनु ने वार करना चाह की, तड़ाक, उफ, वार इतना शक्तिशाली था कि राजा उछलकर दूर जा गिरा। कच्छ दत्त उस तरफ बड़ा ही था कि ठहरो दत्तराज, हम सबको तुम्हारी शर्त स्वीकार है। क्यों भाइयों, कहिए कि आप तैयार हैं। कहिए। हाँ, हम तैयार हैं। ओह, आह, हा, तो सुनो फिर राजा शांतनु, अगर किसी पूर्णिमा की रात को मेरे सेवकों को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा तो वह रात्रि नगर में प्रलय मचाकर जाएगी, और उस रात से तुम्हें हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। कच्छ दत्त पक्षी में परिवर्तित हो चंद्रमा की तरफ उड़ता चला गया। इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा की रात एक व्यक्ति कच्छ दत्त की भेंट लिए सली पर लटकाए जाने लगा। नहीं, आह, मुझे छोड़ दो। जान किसे प्यारी नहीं होती। बचाओ बचाओ, हम मजबूर हैं दोस्त। कच्छ दत्त के सेवक आते ही होंगे। इस प्रकार हर पूर्णिमा की रात कच्छ के सेवक आते और भेंट ले जाते। कहता हुआ कुमार का लड़का टापू आगे बोला, दत्त बस पूर्णिमा की रात को ही आते हैं। उनके लिए एक व्यक्ति की को सलीब पर लटकाया जाता है, और कल तुम्हारी बारी थी। हाँ, और अगर तुम आकर मुझे उस सलीब से न उतारते तो कच्छ दत्ता के सेवक आकर मुझे ले जाते। लेकिन तुमने अपने विषय में तो मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरा नाम चंद्रबान है टापू, और मैं तुम्हारे पड़ोसी राजा विक्रमगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरी माँ इस समय बेहद बीमार है, उसे केवल संजीवनी नामक बूटी ठीक कर सकती है। मैं उसी बूटी की तलाश करता हुआ यहाँ आया हूँ। तब तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हो कुमार।
दोस्त, वह बूटी तुम्हें राजा शांतनु के महल में मिल जाएगी। लेकिन अरे क्या हुआ टापू, महल कहाँ गया? क्या मतलब? वहां जल में महाराज का महल बना था कुमार दोस्त, जल में, किंतु अब तो वहां कुछ नहीं है। और यह सब तुम्हारे कारण हुआ है टापू, तुम्हारे कारण पूरा नगर तबाह हो गया टापू। कच्छ दत्ता के दूतों ने नगर में तबाही मचा दी। नहीं, तुम्हारे कारण महाराज का वचन भंग हुआ और कच्छ दत्ता उन्हें अपना गुलाम बनाकर ले गया है। पूरे राजमहल को चुरा कर ले गया वह। लेकिन अगर तुम शिव के साथ सलीब से बचने की चेष्टा न करते तो शायद इतनी तबाही कभी न होती। हाँ, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों राजमहल की चोरी और महाराज के अपहरण के दोषी हैं। इन्हें पकड़कर सलीब पर लटका दो, और जब तक इनके प्राण न निकल जाए इन्हें वहीं लटका रहने दो। हाँ, पकड़ लो इन्हें, मार डालो। ठहरो, कोई अपने स्थान से नहीं ले। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला अधिक अपराधी होता है। क्या तुम लोगों ने कभी कच्छ दत्ता से निपटने का कोई उपाय करने की चेष्टा की? क्या तुम में से किसी ने सोचा कि टापू इतना एक एक करके जब सारे नगरवासी सलीब पर लटका दिए जाते तो क्या हासिल होता? यह नगर शमशान बन जाता, तब तुम्हारा राजा किस प्रकार किस पर राज्य करता? लेकिन नहीं, एक दत्ता के जुल्मों से घबराकर आप सब ने उसका मुकाबला करने के बजाय हथियार डाल दिए। लेकिन हमारी सेना भी उस दत्ता का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जिसे ताकत से परास्त न किया जा सके उसे बुद्धि से परास्त करना चाहिए। तब हमें क्या करना चाहिए? इस कार्य में तुम हमारी मदद सरंग ऋषि कर सकते हैं। सरंग ऋषि? फिर सिगरी, वह रहा सरंग ऋषि का आश्रम। अगर मुनि हमारी मदद करने को तैयार हो गए तो दुनिया की कोई ताकत कच्छ दत्ता को बचा नहीं सकती। और मुनिवर, हमारी रक्षा कीजिए, मुनिवर हमें बचाइए। आप सब लोग कौन है और क्या विपत्ति आपड़ी है आप लोगों पर, ये आपको मैं बताता हूँ ऋषिवर। राजकुमार चंद्रबान ने सारी कहानी कह सुनाई। इतना सुनने के पश्चात सरंग ऋषि ध्यान मगन हो गए। कुछ देर ध्यान मगन रहने के पश्चात उन्होंने नेत्र खोले। संपूर्ण मानवता पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा ऋषिवर? कच्छ दत्ता तीनों लोकों पर विजय पाने का स्वप्न देख रहा राजकुमार। उसके लिए वह अपने शरीर को वज्र का बना रहा है। प्रत्येक पूर्णिमा की रात वह एक मानव के रक्त से स्नान करता है तो उसके शरीर का कुछ हिस्सा वज्र का हो जाता है। पूरे शरीर को वज्र का बनाने के लिए उसे एक 1,000 मानव के रक्त से स्नान करना होगा। फिर वह कई चमत्कारी शक्तियों का भी स्वामी बन जाएगा और फिर कोई उसे मार न सकेगा। ओह, तब तो शीघ्र ही उसका वध किया जाना आवश्यक है ऋषिवर। उसके लिए हमें अगले पूर्णिमा का इंतजार करना होगा। ओह, और फिर उस माह की पूर्णिमा की रात कच्छ दत्ता के दूत आंधी की तरह पृथ्वी पर उतरे। हा, लगता दत्ता राज की पिछली प्रलय से इस नगर के लोगों को जल्दी अकल आ गई। उतार लो उस युवक को सलीब से। हा, अब हमें यहाँ पर प्रलय मचाने की कोई आवश्यकता नहीं रही, चलो। ठीक उसी समय एक वृक्ष के पीछे, राजकुमार जल्दी करो, मन ही मन वायु मंत्र पढ़ो, हमें इन दत्तों का छिपकर पीछा करना है। ओह, राजकुमार ने मन ही मन मंत्र पढ़ा। अगले पल दोनों के शरीर वायु चक्रों में गिरे आकाश में उठ गए। कुमार, वायु चक्रों के कारण हम दत्तों की निगाहों से छिपे रहेंगे। दोनों काफी देर तक उड़ते रहे। फिर दत्ता उधर घने बादलों की ओर जा रहे हैं और फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऋषिवर, यह देखिए आकाश नगरी। राजकुमार, ये सभी वे राजमहल है जिन्हें कच्छ दत्ता ने चोरी कर लिया था। मेरा भी यही अनुमान था ऋषिवर। लेकिन वे दत्ता कहाँ गए? शायद वे किसी महल में प्रवेश कर गए हैं। हमें भी किसी एक महल में प्रवेश करना चाहिए। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। गुर्र, अभी दोनों संभले भी न थे कि धूम, ओह राजकुमार, हा, अब तुम दोनों यहां से बचकर नहीं जा सकते। ओ, इसे जादू के बल पर ऐसा बना दिया गया है, मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। वह विचित्र जीव डकारता हुआ राजकुमार पर झपटा। रिसीवर बचाइए, धड़ाक। सुरंग ऋषि के नेत्रों से सम्मोहन चक्र निकलकर उस विचित्र जीव से टकराए। अब तुम हमारे गुलाम हो। आह,
बताओ कौन हो तुम? तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? मेरा नाम राजा शांतनु है। कच्छ दत्ता के जादू के प्रभाव से मेरी अवस्था हुई है। कहाँ है कच्छ दत्ता? अपने कछवा महल में। आज उसके यज्ञ का अंतिम दिन है। वह आज अंतिम स्नान के पश्चात वह वज्र का हो जाएगा और फिर तीनों लोगों को गुलाम बनाकर हमें वहां अपना प्रतिनिधि बनाएगा। पृथ्वी के कई होनहार व बहादुर राजाओं को कच्छ दत्ता ने यहाँ भी विभिन्न रूपों में उन्हीं के महलों में बंदी बना रखा है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें उस दत्ता की कैद से मुक्त कराएंगे, किंतु तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं तैयार हूँ। उधर कच्छ दत्ता के महल में, हा हा तुच्छ मानव, अब तेरे रक्त स्नान के पश्चात मैं वज्र का हो जाऊंगा। कच्छ दत्ता ने गंडा शिकेय की वार से राजकुमार की गर्दन धड़ से जुदा कर देनी चाहिए, खटाक। लेकिन अगले पल वह उछल पड़ा। अरे यह क्या, मानव कहाँ गया? मानव वाणी था, दुष्ट यहाँ है। जिसे तुमने अपने हथियार का शिकार बनाना चाह वह तो केवल राजकुमार की परछाई थी। वह मेरी परछाई थी कच्छ दत्त, जिसे तुम्हारे दूत उठा लाए थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर सरंग ऋषि ने मन ही मंत्र बुद्ध बताया, ओम नमः। दूसरे पर ऋषि के नेत्रों से एक चिंगारी निकलकर गंडासे से टकराई और धड़ाम। तभी चारों तरफ से भीषण शोर मचाते हुए विभिन्न रूपों में छिपे राजा बाहर निकल आए। मार डालो इसे, खत्म कर दो शैतान को। इसी पल कच्छ दत्त चीख पड़ा, उफ, मेरे शरीर को क्या हो रहा है? मेरी वज्र की खाल गायब हो रही है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी को आग लगा दूंगा। शू कच्छ दत्ता के दूत दत्ता अपने दुश्मनों की तरफ लपके, बचो, मार डालो इन्हें। लेकिन अगले पल सरंग ऋषि चीख पड़े, राजकुमार जल्दी करो, इसका यज्ञ असफल हो जाने से इसकी सारी शक्तियां अब इसका साथ छोड़ चुकी हैं। तुम सब मिलकर इसे समाप्त कर दो। नहीं, सब शोर मचाते हुए कच्छ दत्ता की ओर लपके, मारो मारो, खत्म कर दो, मार डालो। खच खच, राजकुमार ने हवा में उछलकर दत्ता की गर्दन पर वार किया। ले मर दुष्ट, खच, आह। कच्छ दत्ता कटे वृक्ष नीचे गिर पड़ा और पिघल गया। दत्ता के समाप्त होते ही मानो चमत्कार हुआ। अरे, हम लोग वापस अपने असली रूप में आ गए। अचानक सब अपने स्थान से गायब हो गए। अरे, यह सब कहाँ गए और हम कहाँ आ गए? हैरान नव कुमार, सब राजा अपने महलों सहित पृथ्वी पर यथास्थान पहुंच चुके हैं और हम भी शांतनु नगर पहुंच गए हैं। यह जानकर राजकुमार तुरंत शांतनु के जल महल की ओर दौड़ा। ऋषिवर, जल महल में से मुझे संजीवनी लेनी है। ईश्वर तुम्हारी मुराद पूरी करे। और इस प्रकार कच्छ दत्ता की मृत्यु का समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया। जिसने सुना वही महल की ओर दौड़ पड़ा। तब शांतनु ने एक सभा का आयोजन किया और भाइयों, आज इस राजकुमार ने हमारी आंखें खोल दी। आज हमें यह एहसास हुआ कि जुल्म से घबराकर बुद्धि के द्वार बंद बंद नहीं कर लेने चाहिए, बल्कि अपनी अंतिम सांस तक उसका मुकाबला करना चाहिए। राजकुमार की जय। फिर संजीवनी नामक बूटी प्राप्त कर राजकुमार वापस लौट पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यही समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।